दोस्तों, जब भी आपने क्लच प्लेटों को चेंज करना है तो आपने सबसे पहले आपने क्लच प्लेटों को FCC क्लच प्लेटें हमेशा इस्तेमाल करनी है। आपने इस तरह ऑयल में डिप कर लेना है, 5 प्लेटें होती हैं 1-5 में क्लच प्लेटें। आपने इसको 20 से 15 मिनट गर्मियों में जो है वो 20 से 15 मिनट जो है वो आपने इसको ऑयल में डिप करना है। उसके बाद फिर आपने ये क्लच प्लेटें जो हैं वो क्लच हाउसिंग में आपने फिट करनी है। तो हम इस 1-5 की CG 1-5 की क्लच प्लेटों को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्लच बक्से इस साइड पर जो छोटी करारी होती है ये वाली, इसको आपने हमेशा ये चेक कर लेना है कि ये ख़राब है। अगर ये ख़राब है तो आपने इसको रिप्लेस कर देना है। ज़्यादातर केसेस में जब हम क्लच प्लेटों को चेंज करते हैं तो ये छोटी करारी जो होती है, इसके जो टीथ होते हैं यानी इसके जो दंदाने होते हैं उसमें गैप आ जाता है, और जब ये क्लच बक्सा जो है वर्किंग कंडीशन में आता है तो इंजन से क्लच बक्से वाली साइड पर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब भी आपने क्लच बक्से को ओपन करना है तो आपने ये चेक कर लेना है कि क्लच कटोरा जो है, इसकी जो रिवर्ट्स हैं, ये वाली रिवर्ट्स हैं, इसमें किसी किस्म की प्ले तो नहीं है। अगर इसमें प्ले होगी तो आपने इनकी भी रिवटें जो हैं वो खरादिए से लगवा कर फिर आपने इसकी फिटिंग करनी है। तो अब हम क्लच प्लेटों को जो है वो क्लच हाउसिंग में फिट करने का आपको तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको क्लच प्लेटें जो हैं वो हाउसिंग में आपने कैसे लगानी है उसका मुकम्मल तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपने प्रेशर प्लेट रखनी है, क्लच प्लेट रखनी है एक। ये क्लच प्लेटें वही हैं जिसको हमने ऑयल में डिप किया हुआ था अच्छी तरह। उसके बाद आपने ये जो प्रेशर प्लेट आपको नज़र आ रही है, इसका जो प्लेन साइड है, जो इसकी फिनिशिंग वाली साइड है, उसको आपने टॉप पर रखना है। और उसके बाद फिर आपने दूसरी क्लच प्लेट लगानी है। इसी तरह आपने 5 क्लच प्लेटें जो है वो लगानी है और 4 प्रेशर प्लेटें इसमें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद क्लच प्लेटें डालने के बाद इसकी जो मेन चीज़ होती है वो टाइमिंग मार्क की होता है। आपने जब भी क्लच हाउसिंग को लगाना है तो इसके मार्क को हमेशा आपने एहतियात से फिट करना है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसके ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला निशान, आपने इसकी अलाइनमेंट में रखना है, इसकी सीध में रखना है। तो फिर आपने इसकी फिटिंग करनी है। टोटल जो है प्रेशर प्लेटें 5 होती हैं और क्लच प्लेटें जो है वो जो है 5 होती हैं और प्रेशर प्लेटें 4 होती हैं। अब हम इसको क्लच कटोरे में लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस गरारी को चेक कर लेना है, ये वाली गरारी को। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपने इस गरारी को कैसे चेक करना है। अच्छा, इस गरारी को चेक करने के लिए आप ज़्यादातर जो है वो थ्रेड गेज इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इन टीथ को चेक करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका थ्रेड गेज ही है। तो अगर आपके पास थ्रेड गेज अवेलेबल नहीं है तो आप इसको वर्नियर कैलिपर से चेक कर सकते हैं इसके गैप को। तो अब हम आपको वर्नियर कैलिपर से, मेरे पास जो है चूँकि थ्रेड गेज अभी नहीं है, तो मैं आपको वर्नियर कैलिपर से जो है डिजिटल वर्नियर कैलिपर से इसके जो टीथ हैं उनमें जो गैप आ गया है उसको चेक करेंगे। ये मेरे पास जो है पुरानी जो है गरारी है क्लच बक्से की, ये क्लच बक्से की नई गरारी है। इसमें दोस्तों गैप देखें 0.274 इंच आ रहा है गैप टीथ में। अब हम आपको पुरानी गरारी जो है वो चेक करवाएंगे और उसमें गैप जो है वो आप देखेंगे गैप ज़्यादा होगा। पहले वाले नई गरारी जो आपको दिखाई है उसका गैप ज़्यादा है, कम है, इसमें गैप ज़्यादा है। गैप दो टीथ के दरमियान अगर गैप ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये वेयर एंड टीयर का शिकार हो चुकी है, ये घिस चुकी है। तो अगर हम इसी गरारी को चेंज नहीं करेंगे, क्लच बक्से को इसी तरह फिट कर देंगे,
तो इंजन से क्लच बक्से वाली साइड से आवाज़ें आएंगी और इंजन जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसकी स्पीड पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो एक बात आपने याद रखनी है, क्लच प्लेटों की जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्लच जो है आप इंजन, अगर बाइक में जो है वो इंजन ऑयल जो है वो आप अच्छी क्वालिटी का नहीं डालेंगे तो उससे भी क्लच प्लेटें जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा आप अगर इंजन ऑयल आपकी बाइक के अंदर लो लेवल पर है तो तब भी क्लच प्लेटें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा क्लच प्लेटें ख़राब होने की एक वजह ये भी है कि आपने जो है वो क्लच की जो फ्री प्ले है क्लच लीवर की वो 20 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के दरमियान नहीं रखी, तो इस वजह से भी जो है वो क्लच प्लेटें वेयर एंड टीयर का शिकार हो जाती है, यानी कि वो क्लच प्लेटें जो हैं वो घिस जाती हैं। दोस्तों, गरारी चूँकि ख़राब थी, 125 की जो छोटी गरारी है जो हमने आपको अभी चेक करवाई है ये वाली गरारी ख़राब थी, इसलिए हमने इसको रिप्लेस की है। या तो आप ISS की गरारी इस्तेमाल कर लें, एक्सल की गरारी इस्तेमाल कर लें, दोनों गरारियाँ जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की बनी हुई हैं, या फिर आप इसमें जेन्युइन होंडा की यूज़ करें। अब ये हम क्लच होजिंग को जो है वो प्रॉपर तरीके से इसकी फिटिंग कर रहे हैं। तो चार जो है प्रेशर प्लेटें, चार जो हैं वो ये मैं आपको भी दिखाऊंगा, चार प्रेशर प्लेटों को हमने इस डायरेक्शन में रखा और एक प्रेशर प्लेट को हमने यहाँ पे इस ग्रूव्स में बिठा दिया है और चार प्रेशर प्लेटों को इन ग्रूव्स में हमने बिठा दिया है। तो दोस्तों, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, क्लच होजिंग की टाइमिंग को आपने अच्छी तरह जो हमने मार्क बताए थे उसके मुताबिक ही आपने उसकी फिटिंग करनी है। अब इसके बाद हमने जो है वो इसका लॉक, क्लच बक्से का जो लॉक है इसको आपने लगा देना है। जब आपने इसका लॉक लगाना है तो आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि इसका जो लॉक है वो ग्रूव में, इसकी झरी में बैठ भी चुका है या नहीं। तो आपने इसको घुमा कर चेक कर लेना है, अगर ये फ्री मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने लॉक जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ चुका है। उसके बाद कोशिश करें कि जब भी आप क्लच प्लेटों को, नई क्लच प्लेटें डालें तो स्प्रिंग जो है वो आप इसके नए ही डालें। तो स्प्रिंग को आप कैसे चेक करेंगे, स्प्रिंग की हाइट को आप दो, ये मेरे पास जो है वो नया स्प्रिंग है, ये नया स्प्रिंग है और ये मेरे पास पुराना स्प्रिंग है, तो इसकी लंबाई को भी आप वर्नियर कैलिपर से चेक कर सकते हैं। जो पुराना स्प्रिंग है वो जो है उसकी लंबाई जो है चूँकि प्रेस हो के जो है उसकी लंबाई जो है वो कम हो गई है। तो दोस्तों, ये मेरे पास नया स्प्रिंग है, इसकी हाइट जो है, इसकी लंबाई, लेंथ जो है वो ज़्यादा है। या अगर आपके पास स्प्रिंग अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर जो है वो वाशले जो है वो लगा दें, चार वाशले लगा दें, तब भी जो है इसकी लंबाई जो है वो पूरी हो जाएगी। अब ये हम चार स्प्रिंग जो है वो हमने नए स्प्रिंग लगाए हैं और अब हम इसको अच्छा, जब भी आपने स्प्रिंगों को के बोल्ट जो है आपने टाइट करने हैं तो हमेशा क्रॉस वाइज टाइट करने हैं। क्रॉस वाइज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपने अगर ये वाला बोल्ट टाइट किया है तो उसके बाद आप ये वाला बोल्ट टाइट करेंगे और बड़े एहतियात से आपने इन बोल्ट को बराबर इक्वली जो है वो टाइट करते जाना है। अगर आप इसको एक बोल्ट को पहले टाइट कर देंगे और दूसरे बोल्ट को बाद में टाइट करेंगे तो ये क्लच होजिंग जो है उसकी जो प्लेट ये जो है वो टूट भी सकती है। तो आपने बड़े एहतियात से आपने अच्छे तरीके से टाइट भी करना है और इसको जो है वो टूटने से भी आपने इसको बचाना है। इंजन के अंदर जो नॉइस होती है, जो शोर होता है, वो ज़्यादातर केसेस में 125 में क्लच बक्से वाली साइड पर शोर होता है और उसको कंट्रोल करने का यही बेटर सोल्यूशन यही होता है कि आप जो है वो क्लच डोरे की जो रिवर्स हैं उसको चेंज करवाएं और ये इस छोटी गरारी को चेंज करवाएं। तो दोस्तों, हमने इसको जो है वो चारों बोल्ट्स को जो है वो टाइट कर दिया है
अब इसके बाद हम ऑयल जो है वो इसको ऑयल फिल्टर भी कहते हैं, ऑयल कुप्पा भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऑयल कुप्पे को लगाएंगे, ये ऑयल कुप्पा भी इसको कहते हैं, और ये बेसिकली अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो इसको ऑयल कुप्पा कहते हैं, और अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बेसिकली 1-5 के क्लच बॉक्से वाली साइड पर ये ऑयल फिल्टर भी कहलाता है। ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू जो है ये काम करता है। तो जब आपने ऑयल कुप्पा लगा देना है तो उसके बाद आपने ये जो वाशर्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये आउटसाइड वाशर है, जो इसके ऊपर आउटसाइड लिक वाला हिस्सा है वो आपने इस तरफ रखना है बाहर की तरफ, ये हमने बाहर की तरफ रख दिया। उसके बाद आपने नट का जो टेपर वाला हिस्सा है वो आपने अंदर की तरफ रखना है, जो उसका नट का जो प्लेन हिस्सा है वो आपने बाहर की तरफ रख के आपने इसकी जो है इसको टाइट कर देना है। अब हमने जो है वो ऑयल कुप्पे वाला नट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भी टाइट कर दिया है, ये चार बोल्ट भी हमने टाइट कर दिए हैं। जब आपने इसको टाइट करना है तो आपने मैग्नेट कूलर जो है वो आपने बैक साइड पे मैग्नेट कूलर लगा देना है और फिर आपने इसको टाइट करना है। तो अब हम क्लच प्लेटों में जो बैरिंग लगता है वो 6001 नंबर का ये बैरिंग है, ये बैरिंग हमने हमेशा नाची का बैरिंग इस्तेमाल करना है। बैरिंग लगाने के बाद ये पुशर है इसको हमने लगा दिया। अब हमने ऑयल कुप्पे का जो वो जैन है वो लगाएंगे। तो दोस्तों जैन भी आपने प्रॉपर तरीके से आपने उसको उसकी जगह पे बिठाना है। तो जब भी आपने क्लच प्लेटों को चेंज करना है तो आपने इसको अच्छी तरह जो है वो ऑयल कुप्पे को साफ कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म की डस्ट ना हो। जैन लगाने के बाद हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से तीनों इसके जो पेच हैं या स्क्रू है उसको टाइट करेंगे। हमने सारे पार्ट्स जो है वो फिट कर दिए हैं। अब हमने यहाँ पर जैनियन जो है वो 1-5 का जैन लगाया है। दोस्तों जब भी आपने जैन लगाना है तो आपने किसी किस्म की स्लैक ट्यूब, किसी किस्म की आपने सिलिकॉन ट्यूब से जैन कभी भी नहीं लगाना। आपने जब भी जैन को लगाना है तो आपने जैन के दोनों साइड पर आपने इसकी ग्रीसिंग कर देनी है, ग्रीस लगा देनी है। इससे ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप इस पल्ले को ओपन करेंगे तो एक तो आपका पल्ला जो है वो ख़राब नहीं होगा और इसके फेस ख़राब नहीं होंगे। तो अब हम इस पल्ले को जो है वो बंद कर देंगे। और एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि जब भी आपने क्लच बॉक्स वाले पल्ले को जोड़ना है तो आपने इस साइड पर जो है वो ऑयल लगाना है, ऑयल फेंकना है, और ऑयल जो है वो इस सुराख से बाहर निकलना चाहिए। और यानी कि आपने इसको चेक कर लेना है कि कहीं ये वाला रास्ता ऑयल का बंद तो नहीं है। अब हमने इसको चेक कर लिया ऑयल डालकर, तो इसमें से किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यानी कि ये रास्ता बंद नहीं है। अब हम क्लच बक्से को जो है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर बिठा देंगे। ये देखें अब हम क्लच बक्से वाला पल्ला जो है वो फिट कर रहे हैं। जब भी आपने इस पल्ले को बिठा लेना है तो आपने क्लच वर्ब जो है इसको आपने प्रेस करके चेक कर लेना है कि क्लच वर्ब जो है वो काम भी कर रहा है या नहीं। उसके बाद इस साइड पर जो है वो 11 बोल्ट होते हैं, जिनमें से 10 बोल्ट जो है उनका साइज़ एक जैसा होता है और एक बोल्ट जो है क्लच वर्ब के जो नीचे आता है ये बड़ा होता है। इसका साइज़ मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ है कि इसका साइज़ जो है वो बोल्ट्स का क्या साइज़ होता है, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो 10 बोल्ट होते हैं इनका साइज़ जो है वो सेम होता है और जो एक बोल्ट होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। तो जो बड़ा वाला बोल्ट है वो आपने क्लच वर्म से नीचे वाली साइड पर आपने लगाना है। अब हमने 8
नंबर की टी से तमाम बोर्ड्स को जो है वो टाइट कर देना है। तो जब भी आपने बोल्ट को टाइट करना है तो क्रॉस वाइज टाइट करना है। अभी चूंकि हम बोल्ट को टाइट नहीं कर रहे तो इसलिए हम इसको जो है वो क्लॉक वाइज वैसे ही टाइट कर रहे हैं अभी वैसे ही। लेकिन जब आपने बोल्ट को टाइट करना है तो हमेशा क्रॉस वाइज टाइट कर, यानी अगर आपने पहले नीचे वाले बोल्ट को टाइट किया है तो फिर आपने उसके क्रॉस में ऊपर वाले बोल्ट को टाइट करना है। आपने इन बोर्ड्स को अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि ऑयल की लीकेज जो है वो किसी भी जगह से ऑयल लीक ना हो। ये हमारे सलमान भाई हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से इन बोर्ड्स को टाइट कर रहे हैं। क्लच बक्सा जो है वो हमने क्लच पल्ला जो है वो हमने टाइट कर दिया है और किक सील भी हमने नई लगा दी है और अब हम जो है इसमें होंडा का जेन्युइन ऑयल जो है वो डाल रहे हैं। ये वाली साइड जो है वो ये क्लच बक्से वाली साइड जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने इसको फिट किया है। अब इसके बाद हम ऑयल डालने के बाद इसकी जो गेज है उसको टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद फिर हम इसमें किक लगाएंगे। हमेशा आपने ऑयल गेज जो है वो जेन्युइन ही लगानी है, अगर आप इसको वेंडर की यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।